और इधर ये जो खपड़े का घर है जो बार बार बोलते हैं, आज यहीं पे कुर्की जब्ती हुआ है। वीडियो क्लिप चला देंगे, देखिएगा कि किस तरीके से सारा एक एक सामान यहाँ से निकाल ले गया है। पूरा घर दिखा दीजिए, खाली हो गया है रूम, इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अंदर भी आइए, कुछ चीजें हैं अंदर की दिखा देंगे, क्योंकि मुझे भी दिखाना चाहिए कि आखिर में जो पुलिस प्रशासन है क्या क्या लेके यहाँ से आज गई है। और वीडियो क्लिप है, चलाएंगे, देखिएगा पूरी तरीके से लादा गया था। इधर भी दिखाइए, जितना मतलब कि देख रहा है ना, सारे चीजें लगभग जितना उन लोग से हुआ है वो सारे चीजें लाकर, चौकी वगैरह था, कुछ कवाड़ी, दरवाजा, पलंग, मैंने जो चीजें था उसको ले जाने वाला ले गया है। इधर पूरा चौकी की खाली है, रूम की क्या दिखाए, सारे कुछ वो लोग खाली कर दिए है, एक चीज भी नहीं छोड़े है। दिखाए तो क्या दिखाए आपको, यहाँ तक कि बार बार बोला जाता है कि जी पानी भी कम से कम छोड़ना चाहिए ताकि लोग पानी पी कर जिए, लेकिन इतना भी रहम नहीं आया, उनका कल तक तोड़ ले गया गया। देखिए ना, चापा कल था यहीं पे था, लेकिन हमारी बिहार पुलिस वो भी तोड़ ले गई, पानी भी तो क्या पियेंगे। लेकिन अब आइए लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई बिहार पुलिस की कि उनकी कल तक तो तोड़ दी गया, दरवाजा भी नहीं है, सारे में दरवाजा था लेकिन एक भी दरवाजा नहीं है घर में, क्योंकि वो लोग सारे तोड़ ले गए हैं। बाकी आइए, इधर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर मामला कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ज्यादा जानकारी नहीं है। और यहाँ आपका क्या नाम जानते हैं? जी हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? मेरे गांव का, मेरे इलाके का है, तो हम नहीं जानते तो कौन जानते? कैसा काम करते थे? अच्छा काम करते हैं। आज उनके घर पे कुर्की जब्ती हुआ है, होगा जो अच्छा काम करेगा उसके ऊपर में होगा। अच्छा काम करेगा? हाँ। अरे बुरा काम जो करेगा उसके नहीं होगा, नहीं होगा। अगर बुरा काम जो करता उसके ऊपर में होता तो ऐसा काम ही नहीं होता। तो क्या मनीष कश्यप आपके कहने के अनुसार वो सही थे? वो सही थे 100%। तो फिर बिहार पुलिस इनके ऊपर FIR दर्ज किया, जो वीडियो है जो उसमें वीडियो जो में जो आदमी है उस आदमी को हम लोग के सामने किया जाए, वो कौन है नहीं उस हम लोग रिहाई करवा लेंगे, हम लोग पकड़वा लेंगे जो कौन है वो नहीं है। वीडियो में जो आदमी दिख रहा है उसको साफ साफ तौर पर हम लोग को दिखाए, हम लोग के सामने लेकर के कौन है उसको उलवा लेंगे हम लोग। यहाँ भूत बकता है, ये बात उससे भी नहीं मानेगा तो जिनका कास्ता है बकवा लेंगे हम लोग, बकवा लेंगे उससे। उसका वीडियो में जो दिख रहा है उसको बुलाइए आप हम लोग के सामने। अगर मनीष कश्यप की रिहाई नहीं होती है, नहीं होती है तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। क्या कीजिए, क्या करेंगे? यहाँ रोड अपहरण, रोड का अपहरण में केस करेंगे, रोड अपहरण है यहाँ, ब्रिज अपहरण है यहाँ, है उसका सबूत भी है, उसका सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है यहाँ, कोई आवाज उठाना नहीं चाहिए, सब कैमरे के सामने पीछे में सब आदमी गाली देंगे बोलेंगे, कैमरा जब थमा दीजिएगा सामने बोलने के लिए, कोई बोलने के कान में दम नहीं होगा। इसलिए कितना भी डॉक्टर कैमरा बोल रहा है क्या होगा नहीं होगा, अरे क्या होगा नहीं होगा, जो सच्चाई है डर क्या है, पुलिस कल ही आपको जेल में डाल देगी, कोई परवाह नहीं है। पर डे 5 केस खाते हैं, ड्राइवर है 5 वो केस पर डे मिलता है। बंगाल पुलिस जैसे भी तबाह कर रखा, बिहार पुलिस और तबाह कर रखा है, हम तो ऑल इंडिया चलते हैं, हमको उससे परवाह नहीं है, हमको तो नाम से लोग जानते हैं, आपको चैनल से जानते हैं, हमको नाम से जानते हैं। आप देखिएगा कितना आपका चैनल में अगर बोल रहे हैं, आपको लाइक में मेरा नाम से, मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस के साथ आपको लाइक मिलेगा। बाकी मनीष कश्यप के बारे में आप क्या, मनीष कश्यप के बारे में चाह रहे हैं ये कि हफ्ता भर के अंदर में जो बोले हैं, हफ्ता भर के अंदर में किसी का भी केस हो, मेरा हो या उनका हो या किसी और का भी हो, जो केस के हफ्ता अंदर में सुनवाई किया जाता है, हफ्ता भर के अंदर में सुनवाई किसी भी केस पर किया जाए, ये काम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, आप लोग मनीष कश्यप को जानते हैं? कौन थे मनीष कश्यप? कौन थे मनीष कश्यप? कैसे आदमी थे? बुरा आदमी थे, कैसे कहेगा? बिहार पुलिस तो उठा ले गया, बुरा आदमी थे, कौन बेवकूफ था? सरकार पुलिस, अजीब हाल है, कैसे बोल सकते हो? तुमको कल जेल में डाल देगा तो क्या कीजिएगा? हम गलत काम करेंगे तभी ना जेल में डालेंगे। गलत, यहाँ सही काम। एक आदमी को पकड़ने के लिए जंगल में शेर को पकड़ने के लिए सैकड़ों आदमी जाता है, एक को पकड़ने के लिए 30-35 गाड़ी पुलिस का वाहन आया था सुबह में, तो वो शेर ही था, कोई भूलन नहीं था। अच्छा, बहुत बुजुर्ग आदमी है और इससे पूछेंगे मनीष कश्यप कैसे आ गए? अरे हम के कौन है क्या मैं बहुत हूं हार रही का आई तो को गई नहीं के मेरे का हिम्मत रखा था बाल लोग ऊपर पीछे लगा लो पूछो ना होई तू ना होई लोग। अरे देर बावन देर नहीं के सबका सामने आई स्कूटर पर भैंस लगा वाला आदमी ना पूरा सच्चा पक्का ऊपर पूरा जोड़ पक्का बा एकदम अपना जगह पर है वाला ऊपर बाप फौजी है
बाकी क्या कहे चाहता नहीं मनीष कश्यप तो रुके वाला बा दबरस बा जितना अच्छे लगाए उतने भाप दीगी ढक्कन ने कुछ लगा दे रुके वाला बका कल से यहाँ जांच पड़ताल आप करवाइए ना। जांच में कितना बिहार सरकार सही काम और गलत काम किया, कल से जांच पड़ताल लगाओ। ये मालूम चलेगा सामने सब रोड पर रखा हुआ, सामने है नदी के किनारा रोड पे, घर के सामने सब सामने है। जांच पड़ताल कल से चालू करवाइए। आप लोग मीडिया वाले आप बुलाइए, भारी भारी चलने वाले अभी नहीं आ रहे, दब के बैठे हुए हैं, चूड़ी पहन के बैठे हुए। जब आएंगे तब लाइट में, जब डिग्री मिलने वाला होगा, जब अमाउंट भारी अमाउंट आने वाला होगा, अभी नहीं पहुंचेंगे वो, अब बाद में ये हाँ हुआ बोलेंगे। मगर साले हम लोग चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और बोलेंगे, आप अभी भी बोलते रहेंगे। बाकी मनीष कश्यप के बारे में आपको क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मनीष कश्यप के घर का जो आज सामान कुर्की जब्ती करके लाद के ले गया गया है, वो बिहार पुलिस की कैसी कार्रवाई थी, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो शेयर करिएगा ताकि बिहार की जनता देखे कि मनीष कश्यप के साथ अन्याय हुआ है कि न्याय हुआ है। जय हिंद।